दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर प्ली बार्गेनिंग की। प्ली बार्गेनिंग से आपको क्या समझ आता है? बार्गेनिंग से मतलब होता है मोल भाव, यानी कि आप कहते हैं कि कोई सामने वाला अगर आपको कह रहा है कि मैं 10 रुपये की चीज़ दूंगा, तो आप कहते हैं नहीं मैं 8 रुपये में खरीदूंगा। बार्गेनिंग का मतलब ये होता है। प्ली मतलब कि याचना करना, यानी कि जब आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी जो सेंटेंस है उसे कम कर दिया जाए, या यू नो आप अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं और आपकी जो सज़ा है वो कम कर दी जाए, ठीक है, और बदले में आपको आप जो है विक्टिम की जो नुकसान हुआ है उसको आप कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है, कोर्ट में लिटिगेशन डालने में, या जो उसका आपके ऑफेंस से जो नुकसान हुआ है उसको आप बदले में कंपनसेट कर देंगे। तो इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि प्ली बार्गेनिंग वो तरीका है जिसमें एक्यूज विक्टिम को कंपनसेट कर देता है और बदले में कोर्ट उसकी सज़ा कम कर देता है, ठीक है। तो अब ये सवाल आता है कि प्ली बार्गेनिंग कब करी जा सकती है। भाई प्ली बार्गेनिंग सबसे पहले तो हर उस ऑफेंस में की जा सकती है जिसमें सज़ा जो है वो 7 साल से कम है। अब अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो वहाँ प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑफेंस कर दे जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो वहाँ प्ली बार्गेन का बेनिफिट एक्यूज नहीं ले सकता। उसके बाद अगर किसी ने कोई ऑफेंस जो है वो किसी बच्चे के अगेंस्ट या किसी वुमेन के अगेंस्ट कर दिया तो भी प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट नहीं ले सकता। अब मान लीजिए कि कोई ऑफेंस हुआ है यू नो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, अब उसमें पनिशमेंट कम है, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है तो भी आप प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि दैट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, तो वहाँ आपको प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या किसी बच्चे के अगेंस्ट आपने ऑफेंस कर दिया हो, जैसे कि पॉस्को एक्ट में अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा प्ली बार्गेनिंग का, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं विच इज़ अगेंस्ट द नेशन, जो देश के खिलाफ है, इस तरह का अगर किसी ऑफेंस का नेचर है तो भी आपको बेनिफिट प्री बार्गेनिंग का नहीं मिलेगा। उसके बाद जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर किसी के ऊपर जुविनाइल जस्टिस एक्ट लगना है, ठीक है, तो वहाँ भी आप प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद जो है अब बात आती है कि ये तो हो गई बात कि कब प्ली बार्गेनिंग हम लगा सकते हैं। अब उसके बाद ये प्ली बार्गेनिंग लगेगी कैसे, होगी कैसे, तो जिस कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा है वहीं पे आप प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ में आप एक चीज़ और करेंगे कि यू हैव टू गिव एन एफिडेविट, आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा कोर्ट में दैट एक तो आपका इस ऑफेंस के लिए कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपको थेफ्ट के लिए किसी को पकड़ा गया है, तो अब वो आदमी ये एफिडेविट पे देगा कि उसको थेफ्ट के लिए सज़ा पहले कभी नहीं हुई है, ठीक है। और दूसरा ये कि वो वॉलेंट्रली प्ली बार्गेन कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। जब कोर्ट को आप ये कहेंगे कि आई एम डूइंग प्ली बार्गेन वॉलेंट्रली, तो कोर्ट हो सकता है जज साहब आपको चैम्बर में बुलाएं इस चीज़ के लिए कि भाई आपकी जो प्ली बार्गेनिंग हुई है वो वॉलेंट्री हुई है और आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ लिए, ठीक है। जब ऐसा होगा तो फिर कोर्ट उसके बाद क्या होगा, कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि भाई कितना नुकसान हुआ है विक्टिम का, उस लॉस को असेस करेगा, और वो लॉस जब आप कंपनसेट कर देंगे तो उसके बाद कोर्ट आपको जो अगर किसी ऑफेंस में मिनिमम सेंटेंस है तो मिनिमम सेंटेंस पे आपको छोड़ देगा, या फिर यू नो ऑन गुड कंडक्ट आपको छोड़ देगा अंडर सेक्शन 360 CRPC, ठीक है। अब जहाँ ज़रूरी बात यह है कि विक्टिम को कंपनसेट करना पड़ेगा और फिर मिनिमम पनिशमेंट मिलेगी, जो अगर मान लीजिए अगर ज़्यादा पनिशमेंट हो, मान लीजिए 7 साल तक का, अगर इसमें हमने कहा 7 साल की सज़ा किसी को होना बहुत बड़ी बात है, 7 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, ठीक है, तो उससे आप बच जाते हैं, राइट। तो ये हो गई एक बात इसमें। उसके बाद अगर मान लीजिए कोर्ट को ये लगता है कि आपने प्ली बार्गेनिंग जो है वो दैट वाज नॉट वॉलेंट्री, और वो किसी तरह के आपने प्रभाव में आके आपने वो करी है, तो वो प्ली बार्गेनिंग को जो है
एविडेंस की स्टेज पे रीड आउट नहीं करा जाएगा, भले ही आपने उसमें ये स्वीकार कर लियो कि मैंने किया, बट प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूफ इट्स केस सो दैट यू नो यू वोंट बी पनिश्ड फॉर वट यू नो हैव नॉट डन. मतलब आपने आपने तो वो प्लीड किया था कि आपकी सज़ा कम हो जाए उसके लिए ना, तो उसका आपको नुकसान नहीं होगा अगर आपकी प्ली बार्गेनिंग फेल हो जाती है तो. ठीक है, अगर आपके बीच में अमिकेबल सेटलमेंट नहीं होती है तो. ये हो गया. अब ये आता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट एक्यूज के लिए कि वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट से बच जाता है. अगर मान लीजिए कोर्ट उसे कहता है कि 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी आपको, अब अगर वो देखिए अगर अंडर ट्रायल है तो अंडर ट्रायल को तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती नहीं है, अंडर ट्रायल तो अंडर ट्रायल होता है, तो वहाँ उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है कि उसको कम सज़ा होती है. ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि कम सज़ा होगी और फिर वो रिगरस मशक्कत वाली यानी कि कठोर कारावास नहीं होगी. ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एक्यूज़ के लिए. दूसरा, विक्टिम का भी टाइम बचता है. ठीक है, एक्यूज़ का भी टाइम बचता है और कोर्ट का भी टाइम बचता है. अब आपको पता होगा कि जेल्स में बहुत भीड़ हो चुकी है, जेल्स आर ओवरक्राउडेड, एनीवेयर इन इंडिया जेल्स आर ओवरक्राउडेड. तो अब जब आप ये देखिए, जब कोई प्ली बार्गेन कर लेगा तो बाहर निकलेगा, इससे सरकार को बेनिफिट ये होगा कि सरकार का खर्चा बचेगा, है ना. सरकार को मैनेजमेंट, यू नो, टू मैनेज पीपल इज द बिगेस्ट टास्क, तो वो मैनेजमेंट का सरकार का खर्चा बचेगा, सरकार का यू नो खाने पिलाने का कैदियों को खर्चा बचेगा, तो वो सब सरकार के बेनिफिट है. कोर्ट का ये फ़ायदा है कि कोर्ट अपनी एनर्जी जो और टाइम जो है वो और ज़रूरी कामों के लिए लगा सकता है. यानी जो ज़्यादा बड़े केसेस हैं या जो ज़्यादा अर्जेंसी के केसेस हैं, वहाँ पे कोर्ट की एनर्जी यू नो फिर चैनलाइज हो जाएगी. देन ऑन यू नो दोस पेटी ऑफेंसेस ऑफ चोरी वोरी के जो छोटे मोटे केस होते हैं, इनसे कोर्ट की एनर्जी जो है वो हटके वहाँ चली जाएगी और फिर वहाँ उनमें कोर्ट जल्दी डिसीजन देगा. और तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ भी डिसीजन जल्दी आएगा और यहाँ भी सॉल्यूशन जल्दी हो गया. तो ये बेनिफिट होगा इससे एक्यूज़ का, विक्टिम का, कोर्ट का और सरकार का. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड नीचे कमेंट में लिखिए, कोई सवाल हो तो वो भी लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.